के लोनी में झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस आगजनी में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बलौदा बाजार में पुलिस ने शातिर ठग और ब्लैकमेलर के गैंग का पर्दाफाश किया। ये गैंग शहर के ही कुछ हाई प्रोफाइल लोग चला रहे थे। हैरानी की बात ये कि इस गैंग में जिले के कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। पुलिस ने खुलासा किया कि गैंग शहर के अमीर लोगों को टारगेट करता था। यूपी के बांदा जेल अधीक्षक को फोन से धमकी मिली। मामले में बांदा जेल अधीक्षक की तरफ से FIR दर्ज कराई गई। शिकायत में लिखा गया कि तारीख 28-29 की रात करीब 1:30 बजे अज्ञात व्यक्ति ने बांदा जेल अधीक्षक को फोन पर धमकी दी। बिहार में पकड़वा शादी का मामला सामने आया है। यहां बेगूसराय में लड़की वालों ने एक इनकम टैक्स कर्मचारी को चाय के बहाने पहले घर बुलाया और परीक्षा के बहाने लड़की को लड़के के साथ बाहर भेज दिया और पीछे से थाने में बेटी को अगवा करने का मामला दर्ज करवा दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी लड़के को हुई, लड़की के साथ वो थाने पहुंचा जहां उस पर दबाव डालकर उसकी मंदिर में शादी करवा दी गई। बिहार के मधुबनी में पुलिस ने 5 इनामी अपराधियों को हथियारों के साथ धर दबोचा। पुलिस ने लोकसभा चुनाव को लेकर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था। राजस्थान के भरतपुर से एक दिल दहला देने वाली ये खबर सामने आई है। यहां ट्रेन की चपेट में एक युवक युवती ने खुदकुशी कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। दिल्ली की धरोहर को संजोने के दिशा में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संजय वन और पुरातात्विक पार्क का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पुरातात्विक धरोहर को संजोने की बात कही। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। RBI के 90 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली में भारतीय रिजर्व बैंक भवन को रोशनी से सजाया गया।